पेरिस ओलंपिक्स 2024 बैडमिंटन फैंस के लिए 1 अगस्त की तारीख बुरी याद बन गई। मेंस डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के बाद विमेन सिंगल्स की प्लेयर पीवी सिंधु भी इस इवेंट के राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गई। 2 बार की ओलंपिक चैंपियन सिंधु ही विंग जाओ से स्ट्रेट सेट्स में 21-19 और 21-14 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। पेरिस ओलंपिक्स में सिंधु लगातार तीसरे ओलंपिक्स मेडल की तलाश में आई थी। ग्रुप स्टेज की शुरुआत में सिंधु ने कमाल किया, अपने मुकाबलों को एक तरफा जीता और राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन असली चैलेंज तो यहीं पर सिंधु का इंतजार कर रहा था। वर्ल्ड नंबर 9 जाओ के एक सामने सिंधु के मैच हमेशा टक्कर के रहे हैं। बीते 20 मैच में 11 जाओ ने जीते तो 9 सिंधु ने, और हालिया फॉर्म की बात की जाए तो बीते 3 मैचेस में 1 सिंधु के नाम तो 2 जाओ के नाम रहे। ये स्टार्ट्स देख फैंस पहले ही समझ गए थे कि ये मुकाबला सिंधु के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, और हुआ भी ऐसा ही। जाओ ने सिंधु को ऐसी टक्कर दी कि एक समय लगा कि सिंधु ये मैच बुरी तरह से ना हार जाए, लेकिन फिर सिंधु ने भी धीमे धीमे पॉइंट्स कमाने शुरू किए। पहले सेट में वो बेशक 7-3 से पीछे रही, लेकिन मौके भुनाती रही और एक पॉइंट पर सेट को 12-12 की बराबरी पर ले आई। लेकिन फिर जाओ ने वापसी की, रैलीज की पेस को संभाला और मैच में 17-14 से आगे निकली। जाओ पहले सेट को जल्दी खत्म करने के मूड में थी, लेकिन सिंधु भी वापसी का मन बना चुकी थी। उन्होंने भी कहा, ऐसे कैसे। सिंधु ने कमाल के शॉट्स लगाए और सेट को 19-19 की बराबरी पर ला दिया। लेकिन इसके बाद जाओ ने रैलीज के जरिए पॉइंट्स कमा, पहला सेट 21-19 से अपने नाम कर लिया। अब सिंधु को आगे बढ़ने के लिए दूसरा सेट जीतना बहुत जरूरी था, लेकिन उसके लिए सिंधु को जाओ की स्पीड को मैच करना पड़ता, जो कम से कम इस दिन तो संभव नहीं लग रहा था। जाओ ने लगातार सिंधु के डिफेंस को भी टेस्ट किया, उनको स्मैश करने से रोका और पॉइंट्स कमा, सेट में 8-4 से आगे निकल गई। मिड गेम तक जाओ मैच में 11-5 से आगे थी, फिर उन्होंने मैच में 13-5 की लीड ले ली। सिंधु को जहां मौका मिला उन्होंने पॉइंट्स कमाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिशें मैच जीतने के काबिल नहीं थी। अंत में जाओ ने दूसरे सेट को भी 21-14 से अपने नाम कर लिया। आपको याद दिला दें, टोक्यो ओलंपिक्स में सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में जाओ को ही हराया था, लेकिन पेरिस में ऐसा नहीं हो पाया। इस बार जाओ ने ना सिर्फ अपना बदला लिया बल्कि सिंधु को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं गरिमा, स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।